और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। यू स्टूड स्ट्रेट लाइक दिस एंड शुक माय हैंड, एंड व्हेन मोदी जी शुक योर हैंड यू बाउड डाउन एंड शुक हिज हैंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। LOP यानी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में अपना पहला भाषण दिया। निश्चित तौर पर ये जो भाषण था इसमें उन्होंने मोदी सरकार को, उनके कामकाज के तरीके को और जिन जिन मोर्चे पर मोदी सरकार फेल हुई उसको प्रमुखता से उठाया। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने भरे सदन में कुछ ऐसे बयान दिए जिसके बाद न सिर्फ सदन में हंगामा हुआ बल्कि सदन के बाहर भी इसको लेकर काफी विरोध का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है। वो अलग बात है कि प्रियंका गांधी ने तुरंत आगे आकर सफाई पेश कर दी, लेकिन अभी भी इस पर बवाल जारी है। राहुल गांधी ने पहले लॉर्ड शिवा की तस्वीरें दिखाई, उसके बाद उन्होंने इस्लाम को लेकर अपनी बात रखी, उसके बाद गुरु नानक का उन्होंने जिक्र किया और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जो लोग 24 घंटे खुद को हिंदू 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 बताते हैं वो दरअसल हिंसा करते हैं। उनका इशारा निश्चित तौर पर सामने जो बैठी बीजेपी थी, उनके जो सांसद थे, खुद नरेंद्र मोदी जो बैठे हुए थे उनकी तरफ था। इसी के साथ राहुल गांधी ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपने राम मंदिर बनवाया उसके बावजूद आप फैजाबाद सीट नहीं जीत पाए। उन्होंने अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या जीतने में कामयाब हुए हैं उनका जिक्र किया, उनसे हुई बातचीत का जिक्र किया, लेकिन इस पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब खबर ये मिल रही है कि राहुल गांधी के बयान में कुछ काट छाट की गई है और ये एक्शन हुआ है संसद की तरफ से। दरअसल राहुल गांधी के बयानों में से चार प्रमुख बातें हटाई गई हैं जिनको लेकर सदन में भी बवाल हुआ, सदन के बाहर भी बवाल हुआ और आने वाले वक्त में भी बवाल हो सकता था। राहुल गांधी की स्पीच के बाद संसद की कार्रवाई से चार टिप्पणियां हटाई गई हैं। कौन कौन सी हैं वो टिप्पणियां जरा जान लीजिए। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है, ये हटाया गया है उनका पार्ट। उद्योगपति अडानी और अंबानी पर जो टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से की गई थी उस पार्ट को संसद से हटा दिया गया है। इसके अलावा कोटा में पूरी परीक्षा केंद्रीकृत है और अमीरों को फायदा पहुंचाती है, ये टिप्पणी संसद की कार्यवाही से हटाई गई है। और अग्निवीर योजना सेना की नहीं है बल्कि PMO की योजना है, ये पोर्शन हटाया गया है। और इसी को लेकर अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि इसमें गलत क्या है, इसमें कौन सी आपत्ति है जो ये पार्ट संसद में से, उसकी कार्यवाही में से हटाए गए हैं। बाकी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू किया तो एक एक करके ऐसी ऐसी बातें कह दी जिसके बाद खड़े होकर मोदी को भी जवाब देना पड़ा। राजनाथ सिंह उठे, अमित शाह ने उठकर जवाब दिया, MSP का जिक्र किया तो शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं उनको भी जवाब देना पड़ा। सुन लीजिए राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कुछ प्रमुख बातें कही और जिस बयान पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ यानी कि उनका हिंदुओं को लेकर जो बयान था जिसमें वो पहले हिंदू और फिर हिंसक शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने सुनिए। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। तो देखा आपने राहुल गांधी ने क्या बयान दिया और संसद की कार्यवाही में से क्या काट छांट की गई है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब मुझसे ओम बिरला ने हाथ मिलाया तो मैंने कुछ नोटिस किया। जब आपने मुझसे हाथ मिलाया तो आप सीधे खड़े थे, लेकिन जब आपने मोदी जी से हाथ मिलाया तो आप उनके सामने झुक गए। राहुल ने ओम बिरला को भी नहीं बख्शा। स्ट्रक्चर्स नाउ, वन इज मी एज एन इंडिविजुअल एंड वन इज मी एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मी एज एन इंडिविजुअल आई माइट हैव माय लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आई माइट हैव माय व्यूज, बट मी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैव टू सप्रेस देम, हैव टू reduce them and say now I am the voice of the opposition. That is the idea of the democratic system. The people have given me a responsibility and that responsibility should overcome my personal likes, dislikes, aspirations. Now Speaker sir, why I am saying this, and forgive me for saying this, but
when you were being put on that chair, I walked there to help you, to walk with you to the chair. And I shook hands with the Prime Minister and I shook hands with you. And then I walked to your chair. And you are the final arbiter of the Lok Sabha. You're the final word here. What you say fundamentally defines Indian democracy. You don't allow us to speak, you allow us to speak, you allow them to speak, you don't allow us to speak. All these things define Indian democracy. Speaker, sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं मनु। डेढ़ से पौने दो घंटे राहुल गांधी ने सदन में स्पीच दी और ये अब तक की उनकी सबसे शानदार स्पीच बताई जा रही है। लेकिन वही बातें, ज्यादा बोलने के चक्कर में कुछ ऐसे बयानबाजी उनकी तरफ से हो गई जिसको लेकर हो हल्ला मचा हुआ है और इसी को लेकर उम्मीद है कि आज एक बार फिर सदन में हंगामा होगा क्योंकि शाम 4 बजे राहुल गांधी को जवाब देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहरहाल जो भी अपडेट इस मामले पर आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप बताइए, संसद की कार्यवाही में से जिस तरीके से राहुल गांधी के स्पीच में से कुछ पोर्शंस हटाए गए हैं उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर। सर, अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो शिव तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। स्पीकर सर, कहां कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? प्लीज प्लीज सर, कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधुन करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए, ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ठीक है सर, एक मिनट प्लीज,
मान्य सदस्यगण आप ही किताब राम भगवान की जन्मभूमि ने अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले नो सब चले नो आपने बताया था नियम नो माइक दीजिए सर हाँ सर मेरा सवाल है सर इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में प्लीज बैठिए बैठिए सर ये ऑफ प्लीज माने बैठिए प्लीज